सब्सक्राइब करें क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। दोस्तों गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि काइन मास्टर के बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग, मतलब कौन से सेटिंग में आप अपलोड मतलब वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो का MB भी ठीक ठाक रहेगा, मतलब कम MB के अंदर अच्छे से अच्छा क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एकदम पूरा सेटिंग बताऊंगा। पहले ये मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, इस वीडियो को मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया है, तो इसके लिए मुझे बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग जो होता है उसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, आप देख पूरा देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा कल का वीडियो था, उसको मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। सेटिंग ऑप्शन पे या फिर शेयर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का बिट रेट पूरा हाई है टोटल, ठीक है। मैं जिस सेटिंग को यूज़ करता हूँ उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रेजोल्यूशन रहने थे 1080p, ठीक है, 1080p, और फ्रेम रेट रहने थे 30 FPS, ओके। ये दोनों ठीक हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाई है, इसके लिए यहाँ पर नीचे दिखा रहा है 706 MB, ठीक है। तो इसको हम कम करके करेंगे 10 MBPS, अब एडजस्ट करके आप 10 MBPS कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 237 MB का दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस सेटिंग में आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे आपका वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेम रेट बहुत अच्छा रहेगा, और वीडियो को जो भी देखेगा मतलब वीडियो का प्रीमियम मतलब हाई डेफिनेशन मिलेगा आपका वीडियो का, ठीक है। तो इसमें एक्सपोर्ट करने से आपका एक्सपोर्टिंग टाइम भी कम लगता है और रेजोल्यूशन भी अच्छा आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए स्पीड ले रहा है एक्सपोर्ट होने में, ठीक है। तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं एक्सपोर्ट करके रखा हूँ इस वीडियो को, तो कैंसिल कर रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला था, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को मतलब एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐप्स ट्यूटोरियल लाता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।